करना है, बोले हमारा काम इलाज करना है। लेकिन जब गरीब मरीज मेरे पास आता है, उसके हाथ में पैसा नहीं होता है, तो भी तो मेरा हाथ से हाथ हुआ है, तो लोगों को इनके हाथ में ऐसा देना है जिनके हाथ में पैसा है, हुनर देना है, रोजगार लाना है। ये प्रशांत जी का ये प्रयास होगा। तो कहते हैं कि मुझे एक महिषी प्रखंड कार्यकारिणी व संविधान सभा का हुआ आयोजन, पटना के ऐतिहासिक रैली में महिषी प्रखंड से भी हजारों लोग होंगे शामिल। डॉक्टर विजय शंकर। महिषी प्रखंड के अरापटी पंचायत में प्रस्तावित पार्टी जनसुराज के संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को संपन्न हुआ। साथ ही कार्यक्रम में जिला के महिषी प्रखंड कार्यवाहक समिति की घोषणा भी हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, जिला महासचिव नवल किशोर सिंह, संविधान सभा के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय शंकर, संविधान सभा सदस्य सह मुख्य प्रवक्ता विष्णु स्वरूप, शाहनवाज बदर कासमी संविधान सभा सदस्य, शमीम अनवर आईएएस शिक्षक, कुमार अमृतराज अभियान समिति सदस्य सह जिला संयोजक, रहबर इस्लाम जिला उपाध्यक्ष, फैजुर रहमान जिला अभियान समिति सदस्य, मोहम्मद अली जिला समिति सदस्य तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आज की घोषणा में मोहम्मद नौशाद प्रखंड अध्यक्ष, अरुण यादव संगठन महासचिव, प्रियंका झा महिला प्रखंड अध्यक्ष, सुभाष पासवान युवा अध्यक्ष, कौशल कुमार मिश्रा सोशल मीडिया प्रभारी, फूलचंद साह मुख्य प्रवक्ता, फिरोज आलम अभियान समिति संयोजक, अरविंद कुमार साह कार्यालय प्रभारी, निर्भय सिंह किसान अध्यक्ष तथा आठ अन्य लोगों को प्रखंड उपाध्यक्ष बनाया गया। सभी पदाधिकारी और सदस्य ने मिलकर आज ये प्राण लिया कि आने जन सुराज को हर घर तक पहुंचाने में उनका अधिक से अधिक प्रयास रहेगा। इस अवसर पर डॉक्टर विजय शंकर ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लोगों को सही जन सुराज की हासिल नहीं हुई है। ऐसे में आम लोगों तक जन सुराज को पहुँचाने के लिए प्रशांत किशोर बिहार के सभी जिला एवं प्रखंडों में पदयात्रा कर लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना के ऐतिहासिक रैली में लाखों लोग भाग लेंगे। इस अवसर पर महिषी प्रखंड से भी काफी संख्या में लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जन सुराज को राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर लोगों से संपर्क कर उनसे राय मांगी जा रही है। उनकी आवश्यकता अनुसार सभी बातों को संविधान में शामिल कर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर सुनील कुमार, अभिनव जटाशंकर, रोशन कुमार यादव, परितोष ठाकुर, शहनवाज बदर काश्मी, शमीम अनवर, फैजुर रहमान, नौशाद आजम, फूलचंद साह सरपंच, मुखियापति डॉक्टर यहिया एवं पन्नालाल साह, नरेश साह सहित अन्य मौजूद थे। संविधान सभा की बैठक आहूत की गई है, इसका क्या उद्देश्य? देश में पहली बार स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी पार्टी का निर्माण हो रहा है 2 अक्टूबर को, और किसी पार्टी को चलाने के लिए संविधान अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें आम लोगों से पूछ करके उनसे जुड़े मुद्दों को जोड़ने के लिए ये संविधान सभा का निर्माण किया गया है। तो सभी जगह पूरे राज्य से, सभी पंचायत से उनसे पूछ करके एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, उसी के आहूत ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें आज हम लोग अरारपट्टी मध्य विद्यालय में बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों से हम लोग सहमतिपूर्वक प्रश्न का जवाब लेंगे और उसके बाद उसको नोट करके पूरे राज्य से जो सामूहिक रूप में आएंगे उसको संविधान में डाला जाएगा।